तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हैदराबाद। अभी जो कैब में जा रहे हैं अपने होटल की तरफ। होटल है थोड़ा यहाँ से दूर, मकाम मिलने वाला है इसलिए इतना लंबा रास्ता दिखा रहे हैं। बाकी हमारी फ्लाइट काफी अच्छे से लैंड हुई, अच्छी फ्लाइट थी, अच्छी जर्नी रही हमारी। और हमने थोड़ा बहुत एयरपोर्ट पे भी टाइम, होटल में चेक इन होता है अराउंड 11 से 12 बजे और हमने डीबोर्ड कर लिया था अराउंड 9 बजे। तो जितने टाइम हमारे पास एक्स्ट्रा था उतनी देर हमने एयरपोर्ट पे ही वेट कर लिया। और एयरपोर्ट पे भी काफी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स थे तो हमने सोचा कि थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं। वही एक्सप्लोर किया हमने, थोड़े बहुत क्लिप्स हैं जो मैं आगे व्लॉग में अटैच कर दूंगी, आप देख सकते हो कि हम एयरपोर्ट पे किस फैसिलिटी में रुके थे। ग्यारह बजे का चेक इन है, हम हैदराबाद में 3 दिन के लिए हैं एंड वी आर एक्साइटेड बिकॉज दिस विल बी आवर सेकंड ट्रिप हियर। मैं यहाँ 2 साल पहले आई थी फॉर अ लॉन्ग वीकेंड एंड दैट वाज अ गुड ट्रिप, सो आई एम कंफ्यूज्ड दिस टाइम कि आई शुड ट्राई टू एक्सप्लोर और रीलिव 2021 अगेन। इस बार वी आर स्टेइंग इन मैरियट दैट इज एक्चुअली क्लोज टू ओल्ड हैदराबाद अनलाइक लास्ट टाइम। तो एयरपोर्ट से लगेगा अप्रॉक्स 1 घंटा, धूप है लेकिन मौसम काफी अच्छा है, तो चलिए आप भी देखें निजामों के शहर हैदराबाद को। हैदराबाद में पब्लिक गार्डन्स के सामने ये हुसैन सागर किनारे लास्ट ईयर बना मार्टियर्स मेमोरियल काफी मस्त लग रहा है। रात में लाइट्स में तो और अमेजिंग व्यू लग रहा था, आप भी देखना, मैं आगे व्लॉग में क्लिप डाल दूंगी। इसे तेलंगाना मार्टियर्स मेमोरियल या तेलंगाना अमर ज्योति दोनों नाम से बोला जाता है। लास्ट ईयर जून में टूरिस्ट के लिए ओपन किया और गया यही पब्लिक गार्डन्स के बिल्कुल साथ में तेलंगाना असेंबली है एंड क्या अमेजिंग आर्किटेक्चर है ये। ऑलमोस्ट 110 साल पुराना ये टाउन हॉल आज भी हैदराबाद के पुराने और रिच हेरिटेज का एग्जाम्पल है। खूबसूरत आर्किटेक्चर है और गोल्डन आवर में जब सूरज की किरणें इस पे पड़ती हैं तो काफी खूबसूरत लगती है इमारत। आई हैव टेकन मेनी शॉट ऑफ दिस, आप आगे व्लॉग में देखना और बताना कैसी लगी आपको यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली। असेंबली और इस आसपास के इलाके को टैंक बंद रोड के नाम से जाना जाता है और असेंबली को और भी ज़्यादा आइकॉनिक बनाने के लिए इसके आसपास अपने जो ऐतिहासिक हीरोज हैं उनके बहुत बड़े बड़े स्टैचूज स्थापित किए गए हैं जो देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। हैदराबाद में 2 मैरियट हैं, हम रुके हैं JW मैरियट में और दूसरे वाला होटल है कोर्टयार्ड बाय मैरियट। आप MMT पे कंपेयर कर सकते हैं एंड बुक जो भी आपको मस्त लगे। वेल, होटल काफी शानदार है एंड इधर वाइब इज काम एंड स्टाफ भी काफी फ्रेंडली है। लॉबी भी अच्छे से डेकोरेट की हुई है, होटल्स की क्लिप आप देख सकते हैं एंड आई विल शेयर द डिटेल्स अबाउट प्राइस एंड फैसिलिटीज दैट यू कैन अवेल हियर इन दिस क्लिप। अभी मैं थोड़ा आराम करती हूँ एंड फ्रेश होती हूँ। आज वी हैव पूरा दिन फ्री तो प्लान है स्कूटी बाइक रेंट करने का एंड सीधा चार मीनार पहुँचने का। रूम में एंटर करते ही आपको राइट साइड में वॉशरूम और लेफ्ट साइड में एक छोटा सा मेकअप रूम मिलेगा। रूम स्पेशियस है लेकिन जो खास बात लगी मुझे इस रूम की वो थे इसके कलर टोन्स, काफ़ी अच्छे से यूज़ किए गए थे, बेसिक थे और मिनिमलिस्टिक थे, एक अच्छे स्टे के लिए बिल्कुल परफेक्ट। फाइनली पहुंच गए हैं हम अपने होटल में और शक्ल आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा थकी थकी हो रही है, थोड़ा लाइट की तरफ आ जाते हैं। लिफ्ट कोई प्रॉब्लम कर रही है वो भी देख लेती हूँ। हो गया तो पहुंचने अपने रूम। फिर आपको सबसे मस्त गाइस मैं आपको बता देती हूँ इस रूम की, वो है यहाँ की लाइट। अदरवाइज
रूम्स में जो होटल रूम्स होते हैं ऐसे येलो और पेल लाइट होती है, बिल्कुल भी अच्छी वीडियो नहीं आती, लेकिन यहाँ पे कितनी ब्राइट लाइट सामने से आ रही है क्योंकि पीछे पूरा विंडो है तो अच्छी लाइट आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग तैयार होने के लिए भी। और भी मतलब थोड़ा सा अगर लाइट रहती है तो रूम लाइवली रहता है, तो लाइट ज़रूर रहनी चाहिए। सो आई एम लविंग दिस रूम क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ब्राइट लाइट है। हैदराबाद में ट्रेवल के लिए बेस्ट है ओला उबर। अगर आप सेल्फ ड्रिवन व्हीकल यूज करते हो तो जूम कार और रेव कार्स एंड रॉयल ब्रदर्स की सर्विसेज ऑप्ट कर सकते हो। कुछ ऐसा कि आए तो थे बाहर घूमने स्कूटी रेंट पे लेके और हमारी स्कूटी का पेट्रोल, मुश्किल से हम 500 मीटर चले हैं और थके हैं। तो ये है पहला हमारा हैदराबाद का फर्स्ट डे ऑफ आवर ट्रिप। तो रोज तो बड़ी मुश्किल से लेके पेट्रोल हम निकल चुके हैं और बहुत ही ज्यादा परेशानियों का हमें सामना करना पड़ा है। अब घूमते हैं थोड़ा सा। हेक्टिक राइड हम आ गए हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप होने, चाय पीने, ईरानी चाय यहाँ की फेमस, अभी आपको बाहर से दिखाऊंगी, पहले अपना ऑर्डर कलेक्ट कर लेती हूँ फटाफट से। चेटा चाय है और एक समोसा है। यार अब हैदराबाद में शाम हो रही है तो चाय और समोसे तो बनते हैं, और मैं अब आ चुकी हूँ यहाँ की बेस्ट ईरानी चाय ट्राई करने। और मैंने पहली बार ईरानी चाय डिस्पोजेबल ग्लास में सर्व होते हुए देखी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बिजनेस भी काफी चल गया है। हैदराबाद में लोगों का चाय का शौक अलग ही लेवल का है, पर जैसे जैसे भारत के लोगों ने तरक्की की है वैसे वैसे ये चाय के कप छोटे होते गए हैं। अब ये प्रॉफिट की भूख है या कुछ और, इसमें भी बचत करनी है लोगों को, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पढ़ना इस सब में। मेरे अकॉर्डिंग तो 5-10 रुपए रेट बढ़ा दो, लेकिन कप ग्लास शुड बी ठीक साइज के। बाकी आप बताओ व्हाट यू फील अबाउट दिस इन कमेंट्स। तो गाइस मैं ईरानी चाय का समोसा ट्राई कर चुकी हूँ, चाय मैंने नहीं ली थोड़ा गर्मी की वजह से, पर समोसा काफी अच्छा है, ऐसा ही टेस्ट है जैसे अपने नॉर्थ इंडिया में मिलता है, खटपटा है और करी यूज भी नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है, साउथ में हर चीज़ में कड़ी पत्ता डाल देते हैं वो भी नहीं है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं एंजॉय करती हूँ अपना समोसा और फिर आगे चलते हैं। मौसम में मतलब कि खासकर इस मंथ में सबसे बढ़िया बात आने की ये है, फेब अभी शुरू ही हुआ है, चारों तरफ फूल खिले हुए हैं क्योंकि स्प्रिंग सीजन आने वाला है और जो मौसम है वो भी एकदम सुहावना है, भी गर्म हवा नहीं लग रही है, ठंडी हवा लग रही है, मज़ा आ रहा है स्कूटी पे घूमते हुए। बल्कि जब हम लास्ट टाइम आए थे तो हम गर्मियों में आए थे और स्कूटी पे भी काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, पर अभी देखो धूप आ रही है लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा क्योंकि हवा बहुत सुहावनी लग रही है, ठंडी ठंडी लग रही है। तो अगर आप आओ हैदराबाद आने का प्लान करो तो कोशिश करना जनवरी या फेब के मंथ में आप आओ तो आपको गर्मी नहीं मिलेगी। हम जब लास्ट टाइम हैदराबाद आए तब हमने ओल्ड हैदराबाद की भीड़ देख के स्कूटी लेने का डिसाइड किया एंड इट वॉज फन, तो इस बार भी हमने स्कूटी ही चूज की। बिल्कुल फर्स्ट हैंड टाइप एक्सपीरियंस लगता है स्कूटी पे, अलग कॉलेज टाइम की फील आती है
और यहाँ ट्रैफिक के चिल सीन्स हैं, बिल्कुल दिल्ली टाइप। इनफैक्ट उससे भी इजी गोइंग ट्रैफिक है एंड सो सो मच टू एक्सप्लोर। लाइक हर एक लेफ्ट या राइट में जो रोड जा रहा है, आई कैन फील वहाँ भी कुछ ना कुछ तो अमेजिंग होगा। बाकी लोग यहाँ मैक्स तो मुस्लिम रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको काफ़ी सुंदर मस्जिद भी दिखाई देने वाले हैं। बाकी जामा मस्जिद, चार मीनार, असेंबली और काफ़ी कुछ है यहाँ जो आप इस व्लॉग में देख पाओगे। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है एंड इट हैज़ ऑल व्हाट इट टेक्स। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको हाईटेक सिटी, साइबराबाद और गाचीबावली साइड वाला हैदराबाद ज़्यादा दिखाया था, जिसमें बंजारा हिल्स एंड जुबली हिल्स की नाइट लाइफ एंड हाईटेक सिटी का कॉरपोरेट एरिया जो रात को काफ़ी सुंदर लगते हैं। इस बार मैं ज़्यादा फोकस करूँगी टू शो यू अ कंप्लीट पोर्ट्रेट ऑफ दिस ब्यूटिफुल सिटी। यहाँ की हैदराबाद की सबसे फेमस बिरयानी दैट इज शादाब बिरयानी, जो आप मेरे पीछे देख सकते हो। शादाब बिरयानी मैं नहीं खाती हूँ, नॉन वेज रमन खाता है, लेकिन यहाँ का फालूदा भी मैंने सुना है बहुत टेस्टी है, तो मैं फालूदा ट्राई कर सकती हूँ। ये रहा मेरे पीछे लस्सी एंड फालूदा। तो देखते हैं कि बिरयानी और फालूदा कैसे लगते हैं, मेरा मन भी है बहुत देर से मीठा खाने का। टाइम यहाँ बहुत लगने वाला है क्योंकि बहुत भीड़ है, मैं आपको दिखाती हूँ अंदर का किस तरह का माहौल है। रही है तो चलते हैं आगे और थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे आज हम हैदराबाद में, थोड़ा सा नाइट लाइफ देखेंगे यहाँ की। नाइट लाइफ मतलब नॉट क्लबिंग वगैरह, थोड़ा मार्केट और खाना पीना एक्सप्लोर करते हैं।
गाइस हमारे सामने असेंबली ऑफ हैदराबाद जो बहुत ही सुंदर दिख रही है रात को, और इसके आसपास भी इतना सुंदर खूबसूरती से सजाया हुआ है। अभी आपको मैं एक दिया भी ज्योति भी दिखाऊंगी, वो भी बहुत सुंदर लगती है, और पीछे असेंबली से उसका व्यू लाजवाब। गाइज अभी हम आए हैं हैदराबाद के एमजी मार्केट में, जस्ट पहुंचे हैं। अंदर जाके थोड़ा स्ट्रीट फूड ट्राई करने वाली हूँ यहाँ पे कि कैसा है। रात के करीब 8 बज रहे हैं, आज का 5th ऑफ नवंबर, माहौल कुछ ऐसा है यहाँ का। हम आ चुके हैं आज अभी इसी वक्त एमजे मार्केट में, और मैं करने जा रही हूँ एमजे मार्केट का गोलगप्पा ट्राई, शानदार चटपटे पानी के साथ जिसके अंदर है छोले की फिलिंग, जो मुझे पता नहीं कैसी लगने वाली है, ट्राई करके बताती हूँ। और यहाँ गाइज कोची में आई वेंट टू जूडियो स्टोर लास्ट ईयर एंड वहाँ का स्टॉक वॉज यूनिक एंड वेरी अफोर्डेबल। तो यहाँ मुझे जब जूडियो दिखा तो मैं यहाँ भी फटाफट गई, बट यहाँ काफ़ी कम ऑप्शंस थे कंपेयर टू कोची। रास्ते में शायद कोई MLA MP की मूवमेंट की वजह से ट्रैफिक भी रोका हुआ था। फ्लाईओवर के नीचे बैकग्राउंड में शोर सुनिए गाइज, रात के करीब 10:30 का टाइम है एंड अभी भी मेन रोड पर इतना शोर। सच में इस शहर में रौनक रात भर रहती है। अच्छा, इसके बाइक ऑटो वालों को रोकिए कि आगे भी क्लियर रहना चाहिए मामला। एमजी मार्केट से डायरेक्ट निकलते हैं हम गाइस, आए हैं चार मीनार के पास दोबारा से, बिल्कुल शादाब जहाँ पे बिरयानी मिलती है उसके पास में है एक नाइस पान महल। यहाँ का मैं पान ट्राई करना चाहती हूँ। वैसे मैंने सुना है हैदराबाद का पान काफी फेमस होता है, तो आज खा के भी देख लेते हैं। आओ तो गाइज ये थी मेरी हैदराबाद की ट्रिप, मैं होप करती हूँ आपको पसंद आई होगी। बने रहिएगा मेरे साथ अगले व्लॉग के लिए, क्योंकि अगली ट्रिप होने वाली है हमारी बेंगलोर।